मोगा की नगर निगम पंजाब की सब तो अमीर नगर निगम गिनी जाती है तो घोटालिया ज रिश्वत के मामले में हमेशा सुरखियों के रही अजिहा ही ताज़ा मामला सामने आ रहा है। मोगा शहर को सुंदर बनाने के लिए बूटे लगाए जाने सन जिन्हां दे विच मोगा की गल की जाए तो मोगा च करीब इस समय 20 से 22 पार्क ने जिन्हां दे विच इन्हां बूटियां का निर्माण किया जाना सी जिस विच वख-वख किस्म के पौधे लाए जाने सन तां जो सुंदरता भी आवे ते वातावरण भी शुद्ध होवे। इसलिए 900 बूटे अजिहे लगाने सन जिन्हां की कीमत पर बूटा 1300 रुपए है और 2000 अजिहे पौधे सन जिन्हां की कीमत 150 रुपए है। इस तो अलावा कुछ होर बूटे सन जिन्हां की कीमत 55 रुपए है। इस तो अलावा 4,22,000 का घा लाने का भी उपराला किया जाना सी पर आम लोगों वालों खून पसीने की कमाई नाल दिता होया नगर निगम नूं टैक्स ते उस टैक्स के पैसे शहर नूं सुंदर बनाने के नाम से पौधे लगाने लई आया सी परंतु इस दे विच किते ना किते अजिहा घोटाला होया कि इन्हां बूटियां दा ते इन्हां घा दा निर्माण नहीं होया। इस घपले की जांच कराने लई हुण मोगा दी विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने मोगा के डिप्टी कमिश्नर नूं एक पत्र लिखिया उते ही उन्हां पंजाब दे सीएम मान नूं इस दी विजिलेंस जांच कराने लई अपील भी की है तां जो इस घपले नूं लोकां दे सामने लियांदा जा सके। उन्हां कहा कि मोगा दे किसी भी पार्क विच कोई माली नहीं है। इस मामले दे विच निगम मेयर ने कहा कि सारी पेमेंट हो चुकी है ते असी जांच कर रहे हैं कि पौधे कित्थे कित्थे लगाए गए हैं इस दी डूंघाई दे नाल जांच करांगे। उन्होंने मन्या कि मोगा दे किसी भी पार्क विच कोई माली नहीं है अते मोगा शहर दीआं बहुत सारियां NGO वल्लों हर रोज़ पौधे लगाए जा रहे हैं। असी इस दी गहराई नाल जांच कर रहे हैं। उते ही वार्ड नंबर 9 दे उक्त कौंसल ने कहा कि साडे वार्ड च जंगल बनाउण दी गल चल रही है ते असी 200 दे करीब बूटे लगा चुके हैं परंतु जेकर इस गल नूं मोगा दी विधायक अमनदीप करोड़ा दे पक्ष दे नाल लिखा जावे तां उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि बूटे किते भी नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल बूटियां दी पेमेंट तां हो चुकी है परंतु बूटे लगाए किथे गए ने इसका रिकॉर्ड किसी दे कोल मौजूद नहीं है जिस दी उन्हां वल्लों जांच मंगी गई है तां जो पंजाब सरकार इस मामले दे विच जांच करे ते निरपक्षता दे नाल हर चीज़ नूं सामने लियावे तां जो दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो सके।